प्रशासन शहरों के संघ का दूसरा चरण 15 जुलाई से शुरू हो रहा है। नगर परिषद में शिविरों को लेकर तैयारियां भी चल रही है। अभियान के दौरान वार्ड वाइज शिविर लगेंगे। बड़ी राहत यह है कि इस बार अभियान में कृषि भूमि पर 31 दिसंबर 2021 तक अनाधिकृत बसी कॉलोनियां भी रेगुलराइज होंगी। ऐसी कॉलोनी वासियों को भी पट्टे मिलेंगे। पहले नियम 17 जून 1999 तक बसी कॉलोनियों को ही रेगुलराइज करने का था। ब्यावर शहर में अब तक सर्वे में कृषि भूमि पर बसी ऐसी कई कॉलोनियां सामने आ चुकी है। अभी भी सर्वे जारी है। ऐसी कॉलोनियों की संख्या डबल तक हो सकती है। उधर शुक्रवार से शुरू होने वाले शिविरों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीसी के माध्यम से जिला तथा उपखंड अधिकारियों की बैठक ली। इसको लेकर उपखंड अधिकारी कार्यालय में उपखंड अधिकारी तथा नगर परिषद आयुक्त रंजीत सिंह गोदारा भी वीसी से जुड़े। वीसी के दौरान सीएम ने अपने संबोधन में शुक्रवार से शुरू हो रहे शिविरों की उपयोगिता व उपादेयता के बारे में बताते हुए अधिकारियों को शिविरों के माध्यम से अधिक लोगों को पट्टे देने के लिए निर्देशित किया। वीसी के माध्यम से सीएम ने बताया कि गत शिविरों की प्रगति रिपोर्ट नहीं मिली है, अतः इस बात का विशेष ध्यान रखें कि शिविर के साथ साथ उसकी प्रगति रिपोर्ट सरकार तक अवश्य पहुंचावे। मालूम हो कि इस बार बदले नियमों से इस बार ज्यादा पट्टे बनने की उम्मीद है। शहर में ही इस बार हजारों की संख्या में पट्टे जारी होने और नगर परिषद को करोड़ों की आय की उम्मीद है। इसी तरह सरकारी सिवायक या अन्य किस्म की भूमि में बसी कॉलोनियों में भूखंड आवंटन की गाइडलाइन में भी कई बदलाव किए गए हैं। इस बार प्रशासन शहरों के संग अभियान में अब सरकार अफसरों से ये नहीं पूछेगी कि कितने पट्टे बने, जवाब मांगा जाएगा कि कितने पट्टे नहीं बने तो क्यों नहीं बने। अब सर्वे कर लोगों को वार्डो में कैंप लगाकर पट्टे दे दिए जाएंगे। इसमें नजूल भूमि जो निकाय को नहीं मिली पर आबादी बसी हो, गैर मुमकिन आबादी भूमि जो निकाय के नाम दर्ज है जिनके वैधानिक दस्तावेज भूखंडदारी के पास है। राज्य सरकार की ओर से जारी नए सर्कुलर में सिवायचक सहित अलग अलग सरकारी जमीनों पर 13 दिसंबर 2013 तक बस चुके लोगों को पट्टे दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन हुआ था, जो प्रशासन शहरों के संग अभियान जो कि कल से चालू होने वाला है वापस, उसके संदर्भ में काफी दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। और पूर्व में चूँकि जो वांछित प्रगति थी वो प्राप्त नहीं हुई थी, इसको लेकर इस बार स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा दिए गए कि लगातार इसका मॉनिटरिंग किए जाए। इस बार इसमें जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में और प्रत्येक उपखंड अधिकारी को उनके क्षेत्र में जो भी नगर पालिका नगर परिषद है उसमें उनको प्रभारी बनाया गया है। तो इसमें बस मेरा लोगों से यही निवेदन है कि आप जितने अधिक आवेदन करेंगे हम उतना ही जल्दी उसको निस्तारण कर पाएंगे। इस बार उसकी प्रभावी रूप से मॉनिटरिंग होगी और प्रतिदिन या प्रति हफ्ता सप्ताह के रूप में बैठकें की जाएंगी। पूर्व में सभी पार्षदों एवं जनप्रतिनिधियों से भी इस बात में आग्रह किया गया, एक बैठक भी आयोजित की गई थी और कल से एक कैंप आयोजित किए जाएंगे। दो दिन पूर्व जिस क्षेत्र का कैंप है उस क्षेत्र में भी 50% किया जाएगा। तो आप सभी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जितने लोग पट्टे प्राप्त करने के इच्छुक हैं, और मेरा यही कहना है कि आप सभी पट्टे के लिए आएँ, क्योंकि पट्टा प्राप्त होने से ना सिर्फ आपको टाइटल मिलता है बल्कि आप बैंक इत्यादि से आगे लोन भी ले सकते हैं और एक अच्छा अपना घर इत्यादि का निर्माण कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और सरकार ने इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी इस बार रियायतें दी हैं। लगभग जो पट्टे की फीस आपकी जितनी लगती है 10 गुना तक कम कई कई जगहों पर हुई है। तो इसमें आप जितना हिस्सा लेके आपको उतना ही फ़ायदा रहेगा। तो आप सभी रहें इसमें और इस पर प्रभावी मॉनिटरिंग करके आपको जिस शीघ्र से पट्टे प्रोवाइड करने की कार्रवाई। अरे लगता है जुड़ने वाला है। जुड़ा। अरे वाह, कैसी हो तुम? ठीक हो? बाय। अरे यार, इस नेट कनेक्शन की रफ्तार से तो मैं बहुत दुखी हूँ, फिर कट गया। इंटरनेट की महंगी सर्विस और स्लो स्पीड से पाइए छुटकारा। लगवाई कनेक्शन जेएसकाई रेडीनेट फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस का। जी हाँ, संपर्क कीजिए जेएसकाई टावर, एकता सर्किल, लोडा मार्केट के सामने, ब्यावर। मोबाइल नंबर 92510 25302।